लाइट परमेश्वर ने बनाई, एक एक सूर्य और एक चंद्रमा, हाँ या ना? उसी तरह बाइबल के वचनों में दो तरह की आपको ज्योति मिलती है, एक एक ग्रेटर ट्रुथ, एक लेसर ट्रुथ। एक आप मसीह में जी सकते हैं या तो ग्रेटर ट्रुथ में या लेसर ट्रुथ में, या तो बड़ी सच्चाई में या छोटी सच्चाई में। जब मैं मसीह में आया तो मैं छोटी सच्चाई को देख के आया था। जब आप किसी को बोलते हैं कि परमेश्वर तुझे जगह करेंगे चर्च में चल, ये क्या है? ये छोटी सच्चाई है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये कौन सी सच्चाई है? लोगों ने बताया जाओ चर्च में चंगे हो जाओगे। मैं चर्च में गया और मैं छोटी सच्चाई के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया मैंने कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। लेकिन जब आपको वचन की समझ आती कि बड़ी सच्चाई क्या है, जब मैं बड़ी सच्चाई में आया और मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, चंगाई जो नहीं मिल रही थी मांग मांग के पीछे चली आई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक व्यक्ति मेरे पास आके बोलता है कि मैं 6 महीने से चंगा नहीं हो रहा हूं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि अब मैंने परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया है, अब परमेश्वर को मुझे चंगा करना ही पड़ेगा, अब मुझे जीवन देगा ही देगा। एक बात मैं मसीह में आने के बाद जब मैंने फैसला किया कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा, एक बात मैं समझ चुका था, अब मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि बीमार गरीब टूटे हुए व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कैसे कर पाएंगे? अब परमेश्वर मुझे अपने नाम में छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? एक व्यक्ति जो चर्च में मांग रहा है कि परमेश्वर मेरी 10,000 की जॉब लग जाए, और एक व्यक्ति ये मांग रहा है परमेश्वर मैं तेरे कामों को, तेरे काम को सपोर्ट करना चाहता हूं, पैसे में, प्रार्थना में, हर तरह से। और वो एक बड़ा आशीष, बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग लेके आज चर्च में बैठा। छोटी सच्चाई क्या है? परमेश्वर मुझे बच्चा दे, हो सकता है वो 20 साल बाद मिले, 10 साल बाद, 2 साल बाद मिले। लेकिन बड़ी सच्चाई क्या है? परमेश्वर मैं तुझे दे दूंगी, अगले साल वो आपके पास होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, परमेश्वर मुझे कपड़े दे, ये क्या है? छोटी सच्चाई। परमेश्वर मेरे पूरे मोहल्ले को कपड़े दे, अगर मोहल्ले को मिले तो आप भी बीच में आ जाएंगे। अब समझ आई आपके लगता है? आमीन। अब सिंपल सा समझाया, आपको समझ आया? परमेश्वर मुझे मुझे आशीष दे, ये कहने की बजाय परमेश्वर मेरे नगर को ब्लेस कर, तो आप क्या खाली रह जाएंगे? नहीं बोलो, आप खाली रह जाएंगे? परमेश्वर मेरे मोहल्ले को कपड़े दे और परमेश्वर आपको नंगा छोड़ेगा क्या? बोलो, आप भी भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों चाहिए गाड़ी, क्यों चाहिए बंगला, क्यों चाहिए आपको पैसा, क्यों चाहिए? ऐश करने के लिए चाहिए या काम करने के लिए चाहिए? बड़ी बिल्डिंग प्रभु के डिसाइपल्स को भरने के लिए चाहिए या खुद रहने के लिए चाहिए? यह मायने करता है आप किस तरह से परमेश्वर के साथ हैं, किस तरह परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर से मांग रहे हैं। हालेलुया, मुझे कपड़े दे या मेरे मोहल्ले को दे। मोहल्ले को मिलेंगे आपको भी मिलेंगे, मेरे ख्याल से दुगने मिलेंगे, 10 गुना मिलेंगे और 12 गुना मिलेंगे। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कौन सी सच्चाई में आप जीना चाहते हो, ग्रेटर वाली या लेसर वाली, बड़ी वाली या छोटी वाली, सूर्य वाली या चंद्रमा वाली?